आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने देखा कि किस तरह लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। थॉमस, आजकल गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है, चलो हम आइसक्रीम खाने चले। हाँ मानस, चलो चले। देखो थॉमस, आइसक्रीम कितने सुंदर रंगीन कागज में पैक होने लगी है। मानस, सच में ये तो बहुत सुंदर है। आइसक्रीम को इस तरह पूर्णतः ढकने के लिए कितना कागज लगता होगा? इसका उत्तर हमें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये आइसक्रीम किस आकार की है? ये आइसक्रीम तो शंकु आकार की नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक। और देखो थॉमस, आइसक्रीम को पूर्णतः इस रंगीन कागज से ढका गया है। इसका मतलब आइसक्रीम को ढकने के लिए इस्तेमाल हुआ कागज उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। क्या तुम्हें शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है थॉमस? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पाई आर और एल के योग के गुणनफल के बराबर है, जहां आर और एल क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई है। आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। चलो मैं यहाँ क्रमशः R और L की जगह ये नाप लिखकर इसे हल कर लेता हूँ। देखो मानस, आइसक्रीम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब आइसक्रीम को पूर्णतः ढकने के लिए 88 वर्ग सेंटीमीटर के कागज का इस्तेमाल हुआ है। अरे वाह थॉमस, चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चले, कहीं हमारी आइसक्रीम पिघल ना जाए। दोनों दोस्तों ने खूब मजे से अपनी अपनी आइसक्रीम खा ली। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित एक और मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन की अच्छी समझ हो गई होगी।